नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है रेडमी का नोट 12 5G और रेडमी का ही 12 5G। यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट अगर देखते हैं तो 3,500 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। 8/256 GB वाले वेरियंट के अंदर 3,500 रुपए एक्स्ट्रा दे के भी यहाँ पे नोट 12 जो ये अच्छा है या नहीं है वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को। बैक साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे नोट 12 के अंदर जो है आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है और रेडमी 12 के अंदर 5G के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप दिया है। बैक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको 12 5G के अंदर दिया है ग्लास डिजाइन के अंदर और नोट 12 के अंदर आपको देखने को मिलता है मैट फिनिश के अंदर में। यहाँ पे इन एंड फीलिंग थोड़ी सी कंफर्ट जो है ये नोट 12 5G के अंदर देखने को मिल जाती है और बैक साइड जो है थोड़ा सा कर्व डिजाइन के साथ में देखने को मिलता है और यहाँ पे बॉक्स डिजाइन जो है ये 12 5G की दी है। इन एंड फीलिंग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे इन एंड के अंदर 12 5G के अंदर। वेट और थिकनेस की अगर बात करेंगे तो नोट 12 का जो वेट है यहाँ पे आपको 188 ग्राम का दिया है और रेडमी 12 का वेट 199 ग्राम का। यहाँ पे आपको थिकनेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8.1 mm की थिकनेस 12 5G की दिया है और नोट 12 5G की थिकनेस 7.98 mm। इस साइड अगर देखेंगे तो ये दोनों भी हैंडसेट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पावर की और वॉल्यूम अप डाउन की के साथ में आ जाते हैं। नीचे के साइड में आपको दिया है स्पीकर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट माइक का ऑप्शन हेडफोन जैक दोनों भी फोन के अंदर ऊपर की साइड में दिया है और साथ ही आयरन ब्लास्टर का सपोर्ट जो ये दोनों भी फोन के अंदर दिया है। सेकेंडरी माइक यहाँ पे नोट 12 के अंदर देखने को मिलता है जबकि 12 5G के अंदर आपको सेकेंडरी माइक का ऑप्शन नहीं दिया है। कैमरे की अगर बात करते हैं तो 12 5G के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, नोट 12 के अंदर 48 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा थोड़ा ज्यादा दिया है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का नोट 12 के अंदर और 12 5G के अंदर 8 मेगापिक्सल। दोनों भी हैंडसेट के अंदर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की अगर बात करेंगे तो 18 वाट का चार्जर सिर्फ 12 5G के अंदर दिया है और नोट 12 के अंदर जो है ये आपको मिलता है 33 वाट का। कैमरे के अंदर अगर देखते हैं तो लगभग सारे ऑप्शन दोनों भी फोन के अंदर दिए हैं। लेकिन नाइट मोड की अगर बात करेंगे तो नाइट मोड सिर्फ बैक कैमरे के अंदर यूज होता है दोनों भी फोन के अंदर, फ्रंट कैमरे के अंदर नाइट मोड का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो सेल्फी की जो क्वालिटी है देख सकते हैं, डे में अगर क्लिक करेंगे तो ओवरऑल दोनों भी फोन के अंदर लगभग सिमिलर से देखने को मिल जाती है। इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस दोनों भी फोन के अंदर नहीं दिया है। कलर सिचुएशन शार्पनेस जो ये दोनों भी फोन के अंदर इतने बढ़िया से नहीं मिलते हैं फ्रंट कैमरे के अंदर। नाइट में भी कुछ हमने सेल्फी ली है तो नाइट में दोनों भी फोन के अंदर सेल्फी में कुछ इतना ज्यादा मजा यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बैक कैमरे की अगर बात करेंगे तो बैक कैमरे के अंदर थोड़ा सा हल्का सा चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे नोट 12 5G का जो बैक कैमरा ये थोड़ा बेटर दिया है, कलर सिचुएशन शार्पनेस जो है ये थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। वैसे अगर देखेंगे तो इतना ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिया, हल्का सा फर्क देखने को मिल जाता है 19:20 का। इतना कुछ डिफरेंस दोनों भी फोन के अंदर कैमरे को लेके नहीं मिलता आपको, एक एक करके आप इमेजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले जो ये दोनों भी फोन के अंदर डॉट पंचल स्क्रीन के साथ में मिलते हैं। 12 5G के अंदर 6.79 इंचेस का डिस्प्ले दिया है और नोट 5G के अंदर जो आपको 6.67 इंचेस का। यहाँ पे जो आपको एमोलेड एलसीडी मिल जाती है नोट 12 5G के अंदर और रेडमी 12 के अंदर सिर्फ आईपीएस एलसीडी दी है। यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो दोनों भी फोन के अंदर 20:9 का मिलता है। टच क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो टच क्वालिटी थोड़ी बेटर यहाँ पे नोट 12 के अंदर देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है और 12 5G के अंदर 19 हर्ट्ज का। दोनों भी हैंडसेट गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में मिलते हैं। ब्राइटनेस लेवल की अगर बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले जो यहाँ पे नोट 12 के अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का जो ये 12 5G के अंदर दिया है और नोट 12 5G के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का दिया है। दोनों भी हैंडसेट ऑक्टोकोर प्रोसेसर के साथ में आ जाते हैं। क्लॉक स्पीड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। 2GHz की क्लॉक स्पीड जो ये नोट 12 के अंदर दी है और यहाँ पे आपको 12 5G के अंदर 2.2GHz। फैब्रिकेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4nm का फैब्रिकेशन 12 5G के अंदर दिया है और नोट 12 5G के अंदर 6nm। और यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट जो ये एंड्रॉइड 13 के साथ में दिए हैं दोनों भी फोन। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जैसे ऑप्शन दोनों भी फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट अगर देखते हैं तो नोट 12 5G की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर चार्जिंग की जो स्पीड है ये थोड़ी ज्यादा बेटर दी है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी दी है, एमोलेड एलसीडी मिल जाती है और ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा दिया है। 12 5G की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर
कम प्राइस रेंज के अंदर आपको 3500 रुपए कम में यहाँ पे 8/256 GB वाला वेरियंट मिलता है। कैमरे की अगर बात करेंगे तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस दोनों भी फोन के अंदर कैमरे को लेके नहीं है और चार्जिंग की स्पीड में भी इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 18 वाट का है और वो 33 वाट का, ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट अगर देखेंगे तो अपनी अपनी जगह सही आ जाते हैं। कुछ चीजें 12 5G के अंदर अच्छी दी है और कुछ चीजें जो है यहाँ पे नोट 12 5G के अंदर अच्छी दी है। अभी आपके ऊपर है यहाँ पे आपको कौन सा हैंडसेट ज्यादा बेटर लगता है। तो आप अगर कैमरे के हिसाब से अगर देखेंगे तो नोट 12 5G अच्छा है और डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी अच्छी है। और आप अगर प्रोसेसर के हिसाब से अगर लेते हैं और कम प्राइस रेंज में लेते हैं तो यहाँ पे 12 5G काफी अच्छा आ जाता है। 16000 रुपए में आपको 8/256 GB वाला वेरिएंट मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू।